हेलो, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग नूडल्स बनाते हैं। नूडल्स बनाने के लिए मैंने ये नूडल्स लिया है और चूल्हे पे एक बर्तन में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा नमक डाल के पानी अच्छे से उबल गया है और अभी ये नूडल्स को हम इसके अंदर में डाल देंगे। मैंने सभी नूडल्स को गर्म पानी के अंदर में डाल दिया है। इसमें एक अच्छा उबाल आ जाएगा, फिर इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और इसको वॉश कर लेंगे। नूडल अच्छे से उबल गया है, अभी इसका गैस हम बंद कर देंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो चिपचिपा हो जाएगा। अभी गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ और इसका पानी ड्रेन कर ले रही हूँ और इसको अच्छे से वॉश कर दूँगी मैं, ताकि इसका जो भी स्टार्च है वो सब निकल जाए। नूडल्स को मैंने छान लिया है इस स्टैंडर में डाल करके और अच्छे से वॉश कर दिया है। अभी इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल देंगे और मिक्स कर देंगे हल्के हाथ से, ताकि अपना नूडल्स टूटे नहीं। इस तरह से करने से क्या है, चिपकेगा नहीं नूडल्स। मैंने पानी में नहीं डाला था, उबालते टाइम में ऑयल नहीं डाला था। अब भी इसी तरह से करना। चलिए आगे की तैयारी करते हैं हम। ये कढ़ाई ली हूँ मैं, इसमें मैंने तेल थोड़ा सा डाल दिया और इसको गर्म कर ले रही हूँ। जब तक ये तेल अपना गर्म हो रहा है, हम सारा सॉस एक प्याली में लेकर के उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए क्या क्या लेना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं सब्जी में हमने क्या क्या लिया है। एक बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, उसको इस तरह से पतले पतले इसमें कट कर लिया है। दो गाजर लिया है छोटा छोटा, शिमला मिर्च है, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, कैबेज, पत्ता गोभी, सभी को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। और अभी चलिए सॉस लेना है हमें, तो हम मिक्स करके रखेंगे इसको, ताकि सारा चीज़ अच्छे से नूडल्स में मिल जाए। सबसे पहले मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ कलर के लिए, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून चाट मसाला, टू टीस्पून सोया सॉस, टू टीस्पून टमाटो केचप, वन टीस्पून विनेगर, ये रेड मिर्ची का पेस्ट है जिसको मैंने घर में ही पीस लिया था, और इसी में थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल दी थी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपके पास में रेडीमेड वाला मिर्च पेस्ट है तो आप वो डाल दो, नहीं है तो फिर इसी तरह से गर्म पानी में भिगा करके इसको पीस लेना। इसमें से अगर आप चाट मसाला, काली मिर्च स्किप करना चाहते हो, नहीं डालना चाहते हो तो मत डालना। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। ये तेल अच्छे से हीट हो चुका है। सबसे पहले लहसुन, हरी मिर्च और अदरक डाल दूंगी इसमें। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल तेज रखना है। बस अब इसमें हम नूडल्स डाल देंगे। नूडल्स थोड़ा सा फ्राई हो गया है, बस अभी हमें इतना ही करना है और ये जो हमने सारा सॉस जो लिया था वो सभी डाल देंगे इसमें। वन टी स्पून में शेजवान चटनी ले रही हूँ। थोड़ा सा नमक डालूंगी। नमक आप टेस्ट करके डालना, क्योंकि शेजवान चटनी में भी होता है और सोया सॉस में भी रहता है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ये थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन है, पत्ता है प्याज का, और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके हमने लिया है, इसको भी इसी में डाल देंगे। नूडल्स रेडी हो गया है, अभी गैस को मैं बंद कर दे रही हूँ। अब चलिए इसको हम लोग प्लेट में निकालते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। गर्मा गर्म नूडल्स रेडी हो चुका है, आप भी ट्राई कीजिए और बनाइए और खाइए।